हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे इस तरीके के लेयर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, कंट्रोल टी करके हम इसको जिस तरह से चाहें उधर हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ हम इसकी एक और लेयर बना सकते हैं, फिर हम इसकी एक और लेयर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और हम इसी वाली पिक को ओपन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी पिक ओपन हो गई है। अब हम इसको यहाँ से एक और लेयर इसकी क्रिएट करेंगे। अब हम एडिट में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पर जाएंगे। इस तरह से ये हमारा ओपन हो गया। अब हम चाहें तो इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो चलिए हम इसे नाम देंगे 00। हमने इसका नाम रख दिया है और इसको ओके कर देते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और ये रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे। कोई एक हम फ्रेम बनाते हैं इस तरह से। देखिए ये हमने एक फ्रेम बना लिया है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसकी ऑपेसिटी को बिल्कुल माइनस कर देंगे। हो गई माइनस। अब हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पर जाएंगे, यहाँ से हम वाइट कलर का स्ट्रोक इसमें लगाएंगे, 20% लगाएंगे, 21% लगाएंगे, 25% लगा लिया। और ये जो यहाँ पर दिखा रहा है आउटसाइड, इसको हम इनसाइड कर देते हैं। यहाँ तक फ्रेंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पैटर्न ओवरले पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे जो हमने लेयर बनाई थी वो हमारी कहाँ पर शो हो रही है। ये सबसे लास्ट में आई है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जो यहाँ पर है लिंक विद लेयर, इसको हम इस क्रॉस को हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके कर देते हैं। ये वाली जो हमारी लेयर है इसको हम ब्लर करेंगे। ब्लर करने के लिए हमें फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इस वाली लेयर को ब्लर कर दिया है। अब हम यहाँ से ओके कर देते हैं। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखिए फ्रेंड, ये लेयर हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको हम जैसा चाहें सेव दे सकते हैं, जैसे कि हम ऑल्ट के साथ इस तरह से ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, कंट्रोल टी करेंगे और इसको इस तरह से लगा सकते हैं हम। ये देखिए थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। फिर हम ऑल्ट के साथ एक और लेयर इसकी बनाएंगे, इस तरह से नीचे की तरफ हम इसको लेकर आएंगे। अब हम इसकी एक और लेयर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम जितनी चाहें उतनी हम इसकी लेयर बना सकते हैं। और हम चाहें तो इसका जो भी एक एक लेयर है उसका हम कलर अलग दे सकते हैं, जैसे कि हम बीच वाले को
कलर देंगे। ये वाइट है इसका स्ट्रोक, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। स्ट्रोक पर जाएंगे, यहाँ से हम कोई भी एक कलर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने ये रेड कलर सेलेक्ट किया है, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं, यहाँ से भी ओके कर देते हैं। अब हम इस वाले कलर को चेंज करना चाहते हैं अपने पैटर्न को, तो ये वाली लेयर हमारी जो हमने इस पर क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है। देखिए यहाँ पर हम दो बार क्लिक करेंगे, फिर हम स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू कलर जैसे हमने किया, ये देखिए ये ब्लू कलर का इसमें स्ट्रोक लग गया है, ओके कर देते हैं इसको। इस वाली लेयर को भी हम कोई और कलर देना चाहते हैं, दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पर जाएंगे और यहाँ से हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, ओके कर देते हैं इसको। इस तरह से फ्रेंड हम अपनी हर एक लेयर का कलर अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी लेयर हमारी बन गई हैं। इस तरह से हम अपनी इस लेयर को बनाएंगे। सो फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।